हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा था आपकी बुक से। आज हमारा पेज नंबर 102 है, जिसमें आपको दिया हुआ है सबसे पहले कैलेंडर। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपको ध्यान से इसको दिखा भी रही हूँ, ओके। क्योंकि इसके बाद आपको देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको इस कैलेंडर में से उनके आंसर देने हैं, ओके। तो ध्यान से आपने देख लिया होगा, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्या है इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इन्होंने बोला है लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018। मतलब इन्होंने कहा है कि 2018 का कैलेंडर आप देख लीजिए, ठीक है। देख लिया आपने, मैंने भी देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या हमसे पूछा गया है। फर्स्ट में पूछा गया है कि ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो सिंपली तो आपको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है इस कैलेंडर, इस क्वेश्चन में तो सिंपल हमें पता है कि 12 होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज, कि उन मंथ्स की लिस्ट बनानी है जिनमें 30 डेज होते हैं, तो वो है 4। आप चाहे तो कैलेंडर को बार बार देख सकते हैं, आपकी बुक में भी होगा, ओके। या फिर एक बार ही मैं आपको दिखा देती हूँ, 4 मंथ्स होते हैं तो कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें 31st को हम ऐड नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसे भी नहीं। तो 1, 2, ओके। अब नेक्स्ट हम चलेंगे 3, और यहाँ पे एक ये 4, ओके। तो 4 हो गए। अब उनके नेम हम लिखेंगे, तो अप्रैल हमारा है, जून, सितंबर, नवंबर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब उनकी लिस्ट बनानी है जिनमें 31st डेज होते हैं, तो वो 7 होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फरवरी हैव, मतलब फरवरी में कितने दिन हैं। तो फरवरी में है 28। हम कैलेंडर 2018 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 2018 में 28 डेज हैं। वैसे आपको पता ही है लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, पर यहाँ पे 2018 में लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज हैं। अब इसने नेक्स्ट पूछा गया है कि कितने वीक हैं, ओके। तो वीक एक महीने में, हाउ मेनी डेज वीक मेक्स अ वीक, सॉरी मैं आपसे गलत क्वेश्चन पूछ रही थी। इसमें आपको बताना है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 होते हैं। फिर आपको बताना है कि जुलाई में कितने वीक हैं, और क्या और किसी महीने में भी इतने वीक होते हैं सेम। तो देखिए, जुलाई में हमारे 4 वीक है, और 4 वीक तो हर महीने में ही होते हैं, लगभग अधिकतर सब में होते हैं, तो इसमें हम यस लिखेंगे। अब पूछा गया है कि आप क्लास 3rd में कौन से महीने में आए थे, तो अप्रैल में आए थे ना, अप्रैल में आपका क्लास 3rd में एडमिशन हो गया था। उससे पहले आप किस में थे, मार्च तक, क्लास 2nd में। अब आपको क्या करना है, मेक अ सर्किल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर, जो आपको डेट दी हुई है तो कैलेंडर में सर्किल कर देना है उन डेट पे। तो पहले 26 जनवरी है, 14 नवंबर है, 31 दिसंबर है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से, आपने पहले भी देखा होगा, तो मैंने पहले से ही सर्किल किया हुआ है 26 जनवरी एंड ये देखिए आप 14 नवंबर और 31 दिसंबर, तो पहले से ही सर्किल है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। ईयर दिए हुए हैं और हमें फिल करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले पूछा गया है विच ईयर वाज इट 2 ईयर्स बैक। देखिए, हम इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा चल रहा है 2020। हम चलेंगे 2020 के अकॉर्डिंग। तो 2020 में हम हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो 2020 से 2 साल पहले, अगर ऐसे आपको समझ नहीं आए तो आप माइनस भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। तो 2018 हमारा आ जाएगा। फिर पूछा गया है कि आप क्लास 2nd में कौन से ईयर में थे। तो अब क्या चल रहा है, 2020, आप कौन सी क्लास में है, 3rd में। तो क्लास 2nd में आप 1 साल पहले जाएंगे, तो 2019 यहाँ पे आएगा हमारा, ओके। 2019 हम यहाँ पे फिल करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और आपको ध्यान देनी है, देखिए यहाँ पे 2018 आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2020 में, और जो इन्होंने बात की है वो इन्होंने बात की है 2018 में, ओके। तो हम 2020 में हैं, तो बुक हमारी भले ही थोड़ी पहली है, तो हम तो अभी की बात करेंगे ना, पिछली बात हम क्यों करेंगे। तो इसीलिए फिर है हमारा विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, तो मतलब इस साल के अगले वाला साल कौन सा होगा। देखिए इन्होंने दिया है यहाँ पे 2019, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना था,
2019, बट नो हम नहीं लिखेंगे, हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम 2020 की बात कर रहे हैं। तो 2020 के बाद आता है 2021। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि 3 साल बाद कौन सा ईयर आएगा। तो 3 साल बाद कौन सा आएगा, 20 के बाद पहले, फिर क्या 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा। तो 2023 हमारा 3 साल बाद आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें 2018 का कैलेंडर देखना है और उसमें ये फेस्टिवल दिए हुए हैं, डेट दी हुई है, डे हमें मेंशन करने हैं। कैसे करेंगे, देखिए नवंबर 7 दिया हुआ है। ओके, इन्होंने बताया है कि उसमें दिवाली थी, हमें इस बात से हम इनको छिपा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, क्योंकि हमें डेज फिल करने हैं, तो डेज फिल करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें हमें डेट चाहिए होती है और कैलेंडर में डेट दी हुई है और मंथ चाहिए होता है। तो मंथ भी इन्होंने दे दिया और हमें डेट भी दे दी, तो उससे डे का हमें बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी मैं आपको एक इन्होंने पूछा है, फिर नेक्स्ट वाला 14 जनवरी, तब हम कहाँ चलेंगे, कैलेंडर में। तो अब हम आ गए कैलेंडर में, तो 7 नवंबर पूछा था, तो कौन सा डे बैठ रहा है, वेनसडे हमारा बैठ रहा है, उसमें हम फिल करेंगे वेनसडे। एक हमें दिया था 14 जनवरी, तो 14 जनवरी अब हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 14 जनवरी, जिसमें क्या है, जिसमें है संडे। देखिए यहाँ पे 7 नवंबर में वेनसडे है और 14 जनवरी में क्या है, संडे। अब ऐसे ही आपको सारी डेट ये देखनी है और आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे, जिनके पास बुक है तो वो बुक में फिल कर लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उन्हें नोटबुक में ये काम, अगर मैं बाद में कहूँगी तो करेंगे, अभी मैं मना कर रही हूँ, अभी आपको नोटबुक में काम नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला था ना कि आपको कैलेंडर बहुत अच्छे से देखना है, तो आपने देखा भी होगा, शायद कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, सोच रहे होंगे ना कि क्या करना है कैलेंडर देख के, छोड़ो इसको, पर ऐसा नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन इसमें कैलेंडर के उसमें ही पूछे गए हैं कि कैलेंडर में से ही आपको आंसर देने हैं। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें बताया, अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम्स इन द ईयर। मतलब जो फेस्टिवल्स हमें अरेंज करने हैं, जैसे कि जो जनवरी में आएंगे तो सबसे पहले वो उस फेस्टिवल का नाम लिखना है, फिर ऐसे आपको लिखते जाना है। तो कैसे हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे, कोई भी बुक में ना कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती, सब समझने के लिए होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि इन्हें तो आप छिपा लो, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेज फिल करने हैं, तो डेज हम डेट और मंथ से फिल कर लेंगे। तो अब इन्होंने क्या दिया, अब इन्होंने कहा है कि फेस्टिवल के नाम लिखने, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अब इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, तो हर चीज़ ना उसमें दी जाती है। अब देखिए सबसे पहले आप चलेंगे यहाँ पे जनवरी। ओके, जनवरी में हमारा है गुरु रविदास बर्थडे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुरु रविदास बर्थडे। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा होता है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया गुरु रविदास बर्थडे पर 31 जनवरी से पहले हमारा 14 जनवरी भी है, यहाँ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए था ना, हमने पहले लिख लिया। तो 14 जनवरी में हमारा है पोंगल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड लिख देते हैं, आपको फिल करना है सेकंड में ही। ओके, और ये मैं फर्स्ट में फिल करेंगे हम पोंगल। ओके, अब इसलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए फरवरी में कुछ नहीं है, मार्च नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आता है अप्रैल, तो अप्रैल में क्या है, बीहू हमारा है, तो थर्ड पे हम लिखेंगे यहाँ पे बीहू। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट अब सारे मैं आपको लिख के दिखाऊं या आप खुद से लिख लेंगे, अरे ठीक है आप खुद से लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं ना। देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो कितना ध्यान से मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, डेट भी है और फेस्टिवल भी है, सब कुछ है, तो आप आराम से उसको फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको वर्कशीट भी फिल करी हुई, खुद से फिल करके वर्कशीट सेंड कर दूँगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल आ रहा है ईयर शुरू होते ही, तो पोंगल हमारा सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा गया है कि जब ईयर एंड हो रहा है, मतलब साल का जब लास्ट चल रहा है, तो कौन सा फेस्टिवल है, तो यहाँ पे आप आ जाइए दिसंबर में। दिसंबर में यहाँ पे दिसंबर है, यहाँ पे 25 तो क्रिसमस डे हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम ये फिल कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो है,
तो स्टूडेंट्स अब हमारा है कैलेंडर मैजिक। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 2019 का आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, और फरवरी मंथ का दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये जो बना हुआ है इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है, राइट। फिर विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर दिया है उसके सेंटर में कौन सा नंबर है, तो कौन सा है, 13, तो 13 आएगा हमारा यहाँ पे, ओके। जॉइन थ्री नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन, द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। देखिए सेंटर से होते हुए यहाँ पे आप चलिए, सेंटर से होते हुए एक लाइन बनाई है हमने, ओके, तो लाइन बना लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है एट द थ्री नंबर्स, यहाँ पे देखिए एट द थ्री नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन, व्हाट डू यू नोटिस, मतलब आप इन लाइन्स को ऐड करेंगे फिर आप क्या नोटिस कर रहे हैं। तो 5 + 13 + 21 कैसे, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐड कर देंगे इसको, ऐसे इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब सेंटर से होते हुए थ्री, जो भी हमारी लाइन में थ्री डिजिट आ रही है, सेंटर आ रहा है एक, तो जैसे कि 6 आया, 13 20, तो सेंटर में हमारा 13 है, तो 13 सब में ऐड होगा, ओके। तो उन सबको हमें ऐड करना है, और ऐड करके हम क्या इसमें मैजिक देखते हैं। ऐड करके मैजिक हमारा है, देखिए पहले 5 13 21, फिर 6 13 20, फिर 19 13 7, उसके बाद 12 13 14। तो स्टूडेंट्स क्या देखेंगे आप इसमें, आप इसमें देखेंगे कि सबका ऐड हमारा 39 आएगा, ओके। तो जो आप किसी भी मंथ में ऐसा देख सकते हैं, ओके। अब इसमें दिया हुआ है, नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2006, आल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रा एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक, डज इन मैजिक वर्क ऑफ दिस। आपको इसमें क्या करना है, आप छोड़िए इसकी बात, आपको करना है 2020 का हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, हमारा मंथ चल रहा है 2020 का जुलाई, ओके। तो जुलाई में आपको ऐसी मैजिक करके अपने नोटबुक में, रफ नोटबुक में करके देखना है, ओके। तो रफ नोटबुक में करने के बाद आपको पता चल जाएगा, बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे हम किसी को भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।